Let's improve English. Hey everyone, welcome to Let's Improve English. Friends, by watching this video, you are going to improve your English vocabulary. Today, I am going to teach you advanced English vocabulary that is going to be very helpful for you. Make sure to watch this video till the end in order to understand each and everything I explain during the course of this video. I am going to teach you everything through simple English and Hindi sentences. लेट्स लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस इट इज बहुत सारे लोग शहर से उपद्रव करते हुए निकले उपद्रव करते हुए निकले उपद्रव करना इसके लिए हम इंग्लिश में कह सकते हैं अ लॉर ऑफ पीपल रैम्पेज थ्रू द सिटी अ लॉर ऑफ पीपल रैम्पेज थ्रू द सिटी सो रैम्पेज करने का मतलब होता है उपद्रव करना शोरगुल करना तहस नहस करते हुए तोड़ते फोड़ते हुए निकलना उपद्रव करते हुए निकलना सो अ लॉर ऑफ पीपल रैम्पेज थ्रू द सिटी इट्स extremely चैलेंजिंग टू स्टॉप अ rampaging मॉब इट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग यानी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है बहुत ज्यादा चुनौती भरा काम होता है एक rampaging मॉब को रोकना मॉब कहते हैं भीड़ को सो रैम्पेजिंग मॉब यानी कि बहुत ज्यादा जो भड़की हुई है भीड़ तो भड़की हुई भीड़ को हम मॉब कहते हैं रैम्पेजिंग मॉब यानी बहुत ज्यादा भड़की हुई मॉब को रोकना इट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग अब भीड़ को शांत करना मतलब कि रोकना बहुत मुश्किल है इट्स ट्रमेंडसली डिफिकल्ट टू सबड्यू मॉब नाउ टू सबड्यू मॉब नाउ तो फ्रेंड सबड्यू का मतलब होता है किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले आना वश में कर लेना शांत कर देना इट्स ट्रमेंडसली डिफिकल्ट टू सबड्यू द मॉप नाव सो इट्स ट्रमेंडसली डिफिकल्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है मॉप को सबड्यू करना अब Subdue मतलब शांत करना अपने कंट्रोल में लाना जैसे कि फीलिंग्स के लिए सबड्यू का यूज किया जा सकता है मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर पाया आई कुड नॉट सबड्यू एंगर एंगर यानी मैं अपने अंगर को शांत नहीं कर पाया तो सबड्यू का मतलब होता है शांत कर लेना किसी चीज को अपने कंट्रोल में ले आना सबड्यू कर लेना मतलब तात्पर्य यह था कि उसने अपनी गलती मान ली है यानी उसने कुछ कहा उसने कुछ स्टेटमेंट दी और उसके कहने से मैं समझ गया कि उसका मतलब ये था The implication was that he had admitted his mistake. Implication, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अंदर छुपा हुआ कुछ मतलब जो डायरेक्टली किसी ने कुछ बोला नहीं है इनडायरेक्ट है अंदर छुपा हुआ मतलब यानी इम्प्लीकेशन मतलब तात्पर्य यानी the इम्प्लीकेशन वॉज इम्प्लीकेशन था दैट ही हैड एडमिटेड हिज मिस्टेक्स कि उस टाइम वो अपनी गलती मान चुका था यही इम्प्लीकेशन था जो मैंने सुना उसका इंप्लीकेशन ये था यानी अंदर का मतलब ये था इम्प्लीकेशन ये था इम्प्लीकेशन का मतलब इफेक्ट भी होता है ऐसा इफेक्ट जो पॉसिबल है जो हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है किसी डिसीजन का किसी एक्शन का कोई रिजल्ट जो हो सकता है उसे भी हम इम्प्लीकेशन कहते हैं जैसे इस एग्जाम्पल में इस प्लान के क्या प्रभाव हो सकते हैं वॉट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस प्लान तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं हो सकते हैं लेकिन हो सकते हैं के लिए यहाँ पर हमने कैन माइट मे जैसा कुछ नहीं लगाया क्योंकि यहां पर आपको समझना है इम्प्लीकेशन का मतलब होता है पॉसिबल इफेक्ट इम्प्लीकेशन का मतलब पॉसिबल इफेक्ट यानी पॉसिबिलिटी इसके अंदर ही आ गई इम्प्लीकेशन का मतलब ऐसा इफेक्ट जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा प्रभाव हो सकता है ऐसा पॉसिबल आउटकम है पॉसिबल इफेक्ट है तो पॉसिबल इफेक्ट को ही हम इम्प्लीकेशन कहते हैं तो हो सकते हैं के लिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस प्लान इस प्लान के इम्प्लीकेशन क्या हैं मतलब कि क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं इस प्लान के तो फ्रेंड्स इम्प्लीकेशन के ये दो मीनिंग है एक तो इम्प्लीकेशन होता है अंदर छुपा हुआ मतलब तात्पर्य और दूसरा इसका मतलब होता है पॉसिबल इफेक्ट ऑफ समथिंग पार्टी में बुलाए जाने के ऑफर को उसने नामंजूर कर दिया नामंजूर कर दिया यानी उसने मंजूर नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा पार्टी में ही रिप्यूडिएटेड द ऑफर ऑफ बींग इन्वाइटेड टू द पार्टी यानी उसने ऑफर को रिप्यूडिएट कर दिया रिप्यूडिएट का मतलब होता है ठुकरा दिया रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट कर दिया दूसरा देखिए, वो इस इल्जाम से मुकरने की कोशिश करेगा हम उस पर इल्जाम लगाने वाले हैं वो उससे मुकरने की कोशिश करेगा यानी एलिगेशन का मतलब होता है इल्जाम आरोप वो उसको रिप्यूडिएट करने की कोशिश करेगा यानी उसको झूठा साबित करने की कोशिश करेगा पब्लिकली ये कहेगा कि मैं नहीं मानता इसको ये गलत है वो इसको नकारेगा वो इससे मुकरेगा उसकी कोशिश करेगा तो ऐसा करने को रिप्यूडिएट करना कहते हैं रिप्यूडिएट यानी कि रिजेक्ट कर देना किसी चीज़ को या बोलना पब्लिक में कि नहीं ये गलत है किसी चीज़ को मानने से इंकार कर देना यानी रिपीडिएट करना फ्रेंड्स एक्चुअली किसी ने मुझसे कमेंट करके इन सभी वर्ड्स को पूछा था तो मैं आपको इन सभी के एग्जांपल्स बता रहा हूँ इन वर्ड्स को अच्छे से समझाने के लिए ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं आपके बहुत काम आएंगे अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं कुछ एग्जाम्स वगैरह देते हैं इंग्लिश के तो फिर उसमें बहुत हेल्पफुल है और वैसे भी अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं न्यूज़ देखते हैं तो वहां पर आपको इस तरह के वर्ड्स काफ़ी मिलेंगे हालांकि मैं जानता हूं कि स्पोकन इंग्लिश में नॉर्मली इनफॉर्मली हम इन वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं लेकिन आपको इनका मीनिंग जरूर पता होना चाहिए ताकि आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो आप चीज़ों को समझ सकें आपके आसपास क्या हो रहा है लोग क्या बात कर रहे हैं न्यूज़ में न्यूज में क्या लिखा है और आप इन्हें बोलने में भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़े ओवरऑल आपके इंग्लिश इंप्रूव करते रहना ही मेरा मकसद है उसने उसके फ़ायदों पर बहुत ज़ोर दे के कहा जैसे कोई इंसान आया मेरे पास कुछ प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहा था और उसके फायदों को बड़ा ही जोर दे दे के बता रहा था कि ये फ़ायदे ये फ़ायदे बहुत ज़ोर दे के बता रहा था उन पर खास उनको एम्फरसाइज कर रहा था वो तो कहेंगे ही एक्सेंचुएटेड इट्स बेनिफिट्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये वर्ड है एक्सेंचुएट अगर आप किसी चीज़ को एक्सेंचुएट करते हैं मतलब उस बात पर एम्फसाइज करते हैं उस बात को जोर डाल के कहते हैं सो ही एक्सेंचुएटेड पास्ट की बात है सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म तो इसका मीनिंग होता है टू टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल हाईलाइट हाईलाइट किसी चीज़ को करना, किसी चीज चीज को 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 करना ऐसा बनाना कि वो लोगों को और ज्यादा आसानी से दिखे और ज्यादा नोटिस कर सके लोग उसको जैसे इस टी शर्ट में तुम और फिट लगते हो और फिट लगते हो ये टी शर्ट ना आपके फिटनेस को बहुत ज्यादा नोटिसेबल बनाती है दिस टी शर्ट एक्सेंचुएट योर फिटनेस दिस टी शर्ट

we saw a downturn in sales last month downturn का मतलब होता है वही गिरावट बिजनेस का घाटा जो किसी को भी परेशान कर देता है so we saw a downturn in sales हमने सेल्स में डाउनटर्न को देखा यानी एक गिरावट को देखा सेल्स कम हो गई पिछले महीने ऐसा हुआ था इस बिजनेस के घाटे ने उसे परेशान कर दिया है this downturn in business has made him anxious यानी इस डाउनटर्न ने यानी गिरावट ने इस घाटे ने बिजनेस में घाटे ने उसको एंशियस कर दिया है एंशियस मतलब एक्सट्रीमली वरिड अबाउट समथिंग एंड नॉट बींग डिसाइड वॉट टू डू नेक्स्ट ये कल्पना करना मुश्किल है कि कल क्या होगा मुझे नहीं लगता कि मैं वहां दोबारा जाऊंगा इट्स डिफिकल्ट टू इन विजिज वॉट विल हैपन टूमोरो यहां पर फ्रेंड्स आप देखिए वर्ड है इन विजिज तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज की कल्पना करना ऐसा सोचना कि समथिंग इज लाइकली टू हैपन प्रोबेबली हैपन यानी कि हम उस चीज को इनविजिज कर रहे हैं यानी कि इमेजिन कर रहे हैं इमेजिन का सिनेम है ये वर्ड इट्स डिफिकल्ट टू इनविजिज वॉट विल हैपन टूमारो यानी ये इनविजिज करना मुश्किल है कि कल क्या होगा कल्पना करना मुश्किल है जैसे मुझे नहीं लगता कि मैं वहां दोबारा जाऊंगा आई डोंट इन विजिट गोइंग इसको ऐसे यूज किया जाता है मुझे नहीं ऐसा लगता मैं इस बात की कल्पना नहीं कर रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि फ्यूचर में मैं वहां जाऊँगा आई डोंट इन विजिट गोइंग देयर अगेन जैसे मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर आएगा आई डिडन इन विजिट हिज कमिंग हेयर मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा आई डिडन इन विजिट दैट दिस वैपन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं वहां पर दोबारा काम करूंगा आई डोंट इन विजिट वर्किंग देयर अगेन तो फ्रेंड्स इस वीडियो से सीखे आपने कुछ वर्ड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे काम करते रहने की और मैं आपके लिए अलग से अलग यूजफुल मज़ेदार वीडियोज़ लाता रहूँ और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहे ओके फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में till then take care and bye